बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ग्राफिक्स। मैं हूं जवाद अहमद। एक नई वीडियो में आपको वेलकम करते हैं। तो गाइस, हमारा एक लोगो का सिलसिला जो है, लोगो बनाने के हम किस तरह से अपने इन पेज में लोगो को डिज़ाइन कर सकते हैं, उस तरह की हमारी क्लासेस जो है वो जारी हैं। तो कल की लोगो में हमने देखा था कि हमने किस तरह से गूगल क्रोम का लोगो बनाया, और आज की वीडियो में हम देखेंगे कि हम किस तरह से टेक्स्ट अराउंड, यानी अगर हमने कोई जिस तरह स्कूल का लोगो होता है, ठीक है, कि आप किस तरह से आप उसको सेंटर में लेकर आ सकते हैं, अपने टेक्स्ट को एक सर्कल के गिर्द किस तरह ला सकते हैं, आज हम उस किस्म का लोगो बनाना सीखेंगे। पहले आपने वीडियो को लाजमी देखना है और मुकम्मल देखना है, एंड तक देखना है। बहुत ज़्यादा टाइम आपका नहीं लेंगे, बहुत शॉर्ट सी वीडियो है और बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो है। वीडियो का पूरा देखें, लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा और बेल आइकन पर लाजमी हिट कीजिएगा, ताकि हर तमाम आने वाली जो वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आप तमाम दोस्तों तक हर टाइम पर पहुँचता रहे। ये तो गाइस, चलते हैं हम आज की अपनी वीडियो की जाने पे, हम किस तरह से एक टेक्स्ट अराउंड लोगो डिज़ाइन कर सकते हैं अपने कोरल ड्रा में। तो उसके मुताबिक हमारी ये आज की वीडियो है। तो काइंडली आप हमारी इस वीडियो को पूरा देखें, लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजमी करें और बेल आइकन पे लाजमी हिट कीजिए, ताकि तमाम जो न्यू आने वाली वीडियो आप लोगों तक पहुँचती रहे। और कॉमेंट सेक्शन में अगर कोई आप बात करना चाहें, आपको कोई डिज़ाइन, आपको कोई सवाल हो डिज़ाइनिंग के मुताबिक, तो आप हमसे पूछ सकते हैं। चलते हैं वीडियो की जाने। आज हम बिल्कुल सेम एज़ इट इज़ इस तरह का लोगो हम बनाना सीखेंगे अपने कोरल ड्रा में, कि हम किस तरह से सेम एज़ इट इज़ लोगो डिज़ाइन हम अपने कोरल ड्रा में किस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। तो वीडियो आपने एंड तक देखनी है, स्किप नहीं करना, आप लोगों के लिए बहुत एक यूज़फुल चीज़ होने वाली है। ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, आपका शॉर्ट सी वीडियो है, ठीक है जी। सबसे पहले जो आपने काम करना है वो ये करना है कि आपने एक सर्कल ऐड करना है इस तरह से, कंट्रोल शिफ्ट को दबा के एलिप्स टूल आपने इस तरह से ऐड करना है, ठीक है जी। जो नेक्स्ट काम आपने करना है वो आप करना है शिफ्ट के साथ दबाकर, आपने इसको ड्रैग करके लेफ्ट जो है ना अपने क्लिक से, और राइट क्लिक आपने छोड़ देना है इस तरह, ताकि ये डबल कापी बन जाए आपके इस सर्कल की, ठीक है जी। उसके बाद आपने ये करना है कि आपने क्या करना है, एक्टिवेट प्रेस में यहाँ आप टूल बार से अपना टेक्स्ट टूल को एक्टिवेट करके वहाँ पे जो भी आप इंग्लिश में जो टेक्स्ट अराउंड लेकर आना चाहें, तो वो आप इसको टेक्स्ट अराउंड लेकर आ सकते हैं, अपने इंग्लिश में लिख सकते हैं। यानी जैसे मैं ये जियोग्राफिक्स लिख रहा हूँ, आपने अगर एक ही में तमाम चीज़ें को ऊपर लेकर आना है तो वो आप ले आ सकते हैं। अगर आप थोड़ा थोड़ा करके लेकर आना चाहें, जैसे मैं लिख रहा हूँ कि जियोग्राफिक्स ऊपर आए, और आप ये देखेंगे कि भाई जवाद अहमद जो है वो निचली वाले टेक्स्ट अराउंड होकर आएगा। तो अगर आप ऐसे आना रखना चाहें, जैसी सेटिंग मैं रख रहा हूँ, आप वैसी सेटिंग रख सकते हैं, ठीक है जी। कोई इतनी ममानियत नहीं है कि आपने वही सेटिंग रखनी है जो मैंने रखनी है, जो या जो किसी और ने रखी हुई, तो आप उसकी कॉपी करें। कॉपी आपने नहीं करना, कॉपी हमेशा आपने नहीं करना। आपने क्या करना है, सबसे पहले अपने उस टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेना है, और टेक्स्ट वाली टैब में जाकर, ये बिट में आपके साथ टेक्स्ट है, वहाँ आपने क्या करना है, फिर टेक्स्ट टू पाथ आपने कर लेना है, उस पर क्लिक करेंगे तो ये चीज़ आपके सर्कल के इर्द गिर्द आपकी चीज़ हो जाएगी। बाकी ये तमाम चीज़ें इसकी टैब्स अवेलेबल है, कि अगर आप साइड पर रखना चाहें, लेफ्ट पर रखना चाहें, नीचे रखना चाहें, ऊपर रखना चाहें अपने टेक्स्ट को, तो आप इसको ईजिली कर सकते हैं। सेम प्रोसीजर आपने उसके साथ भी करना है, दूसरे वाले के साथ, और आपने क्या कर लेना है, इसको जब इस पर करेंगे तो आपने इसको ये थर्ड नंबर वाले पे, यानी निचले वाले से भी कर लेना है। और यहाँ पर आपने इसकी जो एंगल है या इंचज़ है, कि आप ये सर्कल के बाहर चाहिए, सर्कल के अंदर चाहिए, दोनों सर्कल के दरमियान चाहिए, किस तरह से चाहिए, तो आपने उस चीज़ की आपने क्या कर लेनी है, सेटिंग कर लेनी है, उसको ऊपर नीचे राइट लेफ़्ट आपने कर लेना एरोस वगैरह बने हुए हैं, और साथ तमाम जो है ना वो आप ये देखें, पिक्चर्स के साथ, आइकन्स के साथ बकायदा आपको समझाया गया कि आपका टेक्स्ट कहाँ आएगा, अगर इस पे क्लिक करेंगे तो आपका टेक्स्ट किधर आएगा, अगर दूसरी जगह पे क्लिक करेंगे तो आपका टेक्स्ट कहाँ पे आएगा। तो काइंडली आपने इस चीज़ को बहुत से रेगुलर देखना है, और बहुत आपने ध्यान से देखना, ताकि आपको अच्छी तरह समझ आ सके कि हम किस तरह से टेक्स्ट अराउंड लोगो डिज़ाइन कर सकते हैं अपने कोरल ड्रा में, ठीक है गाइस। ये देखें हमारा आप कितना अच्छा तरीके से हो चुका है। सेंटर वाले आपने जो सर्कल को आपने क्या कर देना है, डिलीट कर लेना है। फिर आपने पॉलीगन टूल को सिलेक्ट करना है, और पॉलीगन टूल को लगा के एक आपने नोट पकड़ के इस तरह से इसको स्टार बना लेना है। यानी ये देखें, अब ये स्टार हमारे पास बड़े अच्छे तरीके से बन चुका है। अब इसको हम क्या करेंगे, ब्लैक कलर दे देंगे इस तरह से। ब्लैक कलर दे के ये जो हमारे दो स्पेस हमारी खाली है, जो खाली जगह बची हुई है, हम उसको क्या करेंगे, हमें इसके दरमियान में इसको फिक्स कर देंगे, ठीक है। इसको भी, इस सर्कल को भी हम कर देते हैं डिलीट। फिलहाल दोबारा सर्कल बनाएंगे, लेकिन अभी ये इसकी हम इसकी सेटिंग कर लें, ताकि ये जो हमारी चीज़ है वो अच्छी बन जाए। अब ये देखिए हमारे पास ये दरमियान, हमने इसको हम बिल्कुल इसको दरमियान में ले जाते हैं, थोड़ा इसको थोड़ा सा ऊपर करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से राइटिंग जो है हमारी थोड़ी सी ज़्यादा है, ठीक है गाइस। समझ आ रही है, अगर समझ आ रही है तो आप हमारे लाइक वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब लाजमी कर लें, साथ साथ जो
कुछ लोग होते हैं कि वीडियो देख के अब समझ के चले जाते हैं, लेकिन वो लाइक और लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं करते। आप लोगों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, थैंक यू सो मच। अब हमारा क्या काम है जी, नेक्स्ट हमने अगेन इसी तरह सर्कल ऐड करना है और इसके हमने अराउंड इसको फिक्स कर देना है, इसको इसके अंदर हमने स्ट्राइक को फिक्स कर देना है। फिर हमने इसको क्या करना है, येलो कलर दे के शिफ्ट पेज डाउन करेंगे तो ये चीज़ हमारा इस जो रिटर्न फॉर्म है हमारे इसके बैक साइड पर आ जाएगी। फिर अगेन हम इसी तरह सेम एज इट इज़ सेम बिल्कुल हम इस तरह का एक और सर्कल ऐड करेंगे और सेंटर में इसको हम सेट करने की कोशिश करेंगे, सेंटर में इसकी अलाइनमेंट करेंगे ताकि हमारा बिल्कुल अलाइन हो जाए, यानी कि हमारे किसी टेक्स्ट के ऊपर इसका जो बॉर्डर है वो ना आए। फिर हम क्या करेंगे, इसमें कलर दे देंगे पर्पल, ठीक है, आप ब्लू भी दे सकते हैं, ग्रीन जो आपको अपने अच्छा लगे, ठीक है। ये हमने पर्पल कलर दे दिया और हमने इसको राइट क्लिक करेंगे, जो इसका बॉर्डर है वो हम क्या कर देंगे, वाइट कर देंगे, ठीक है, ताकि हमारा ये मज़ीद एक अच्छा सा, ये देखें आपको नज़र आ रहा होगा कि वाइट बॉर्डर आ गया हमारा राइट क्लिक करने से। लेफ़्ट क्लिक करने से इसकी जो है ना वो होती है, इसके जो अंदर वाला कलर होता है ना फिल इन वो होता है। अब हमारे पास एक बुक हमने पहले तैयार की हुई थी, आप बुक जो हमने बनाई है वो उसका आप देख सकते हैं इस चीज़ का, इस वीडियो का लिंक हमारे इस चैनल इस वीडियो के एंड पर मौजूद है कि हम किस तरह से किताब को डिज़ाइन कर सकते हैं। तो काइंडली आप वो भी जाके देखिए कि आपको पता चले कि आपने किस तरह से ओपन बुक लोगो आपने किस तरह से बनाना है, ठीक है, सेम एज इट इज़ इस तरह का आपने लोगो किस तरह बनाना है अपने कोरलड्रा में, इस वीडियो हमारे चैनल पर मौजूद है, ठीक है जी। इस बुक को हम थोड़ा सा इसके सेंटर में ला कर हम इसको लिख देते हैं और फिर हम इसको क्या करेंगे, आप इसको हम तमाम को सिलेक्ट कर लेंगे और ये देखें हमारे पास एक अच्छी तरह से लोगो बन गया। अब इसको हम कंट्रोल जी करके तमाम को बाहर से सिलेक्ट करके लोगो इसको हम सिलेक्ट कर लेंगे और ये चीज़ हमारी, ये चीज़ लोगो हमारे पास तैयार हो चुका है। उम्मीद करते हैं आप तमाम दोस्तों को ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और कॉमेंट सेक्शन में अगर कोई आप हमसे बात पूछना है तो वो भी आप हमसे बात पूछ सकते हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। जवाब अमर की दीदी इजाज़त, फिर हमारा अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, थैंक यू सो मच।